बसमरम्निम्समकम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रोस्ट की रेसिपी बहुत ही डिफ़रेंट रेसिपी है आज हम बना रहे हैं अचारी चिकन रोस्ट जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है आ, हम इसको ओवन के बग़ैर बनाएंगे लेकिन आपको इसके टेक्सचर से ऐसे लगेगा कि जैसे आपने इसको बाबी क्यू किया है आप चाहें तो इसको बॉबिक्यू फ्लेवर भी दे सकते हैं चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे मैरिनेट दो टेबल स्पून भर के मैंने दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है एक टेबल स्पून अचार मसाला है किसी भी ब्रांड का ले लें तीन टी स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं लेमन जूस है तीन टेबल स्पून और ऑलिव ऑयल जो है ये ऑप्शनल है आप एक टीस्पून डाल सकते हैं या मैंने इसमें एक टेबल स्पून तकरीबन डाला है इसको अच्छा सा मिक्स करें और ये हमारा मैरिनेट तैयार है चिकन थाइज़ मैंने ली हैं दस चिकन थाइज़ हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से मैंने धो के इनको ड्राई कर लिया है ड्राई करना ज़रूरी है ताकि ये बहुत सारा पानी रिलीज़ ना करें और इसमें गैशेस लगा लिए हैं और अभी हम ये मसाला जो है ये इस पर लगा देंगे कम से कम दो घंटे के लिए आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें या फिर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट इसको रखें फ्रिज में मैंने इसको ओवरनाइट रखा है नेक्स्ट डे हम कोई भी बर्तन लेंगे कोई भी कढ़ाही ले लें और इसके अंदर हम जो चिकन के पीसेस हैं इनको ऐड कर देंगे आपने इसको बहुत ही क्राउडेड नहीं करना वरना ये एकदम से काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा और ये बिल्कुल उबला उबला सा चिकन बनेगा तो वो इसमें रोस्ट वाली लुक भी नहीं आएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा हमने कुछ पीसेस जो हैं वो मैंने दूसरे पैन में उनको इसी तरह से आप दोनों साइड से कलर दे लें मीडियम से हाई हीट आपने रखनी है और दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आपने इसको करना है ऐसा करने से एक तो इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और दूसरा ये कि जो इसके सारे जूसेस हैं वो इसके अंदर पैक हो जाएंगे और ये अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बनेगा और जब ये दोनों साइड से कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तकरीबन हाफ कप से भी कम पानी है साइड से ऐड करें और जो बाकी के मैंने थाइस बनाए हैं वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और अभी हम इसको इकट्ठा एक ही पॉट में स्टीम देंगे हीट जो है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है और ऊपर से इसको कवर कर दें और ये इसी स्टीम के अंदर तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट तक या इतनी देर तक कि ये चिकन अच्छी तरह से अंदर से गल जाए आप इसको पका लें और ये देखें जब इस तरह से ये गल जाए और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो मसाला है इसकी ये ग्लेज सा बन जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से इन बोटियों के ऊपर कोट हो जाएगा आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको चूल्हा बंद कर सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है अगर आपको थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट पसंद हो या फिर आप इसको अगर आपको बिल्कुल रोस्ट की लुक चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको एक से दो मिनट और पका लें ताकि ये सारा जो मसाला है इसकी बोटियों के साथ चिपक जाए और ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाए इस स्टेज पे आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं मैं लिंक दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं कि इसको कैसे कोयले का धुआं देना है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार अचारी चिकन रोस्ट तैयार है ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी तो आओ मैं याद रखिएगा इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफ़